जी, अगला जो हमारा टूल है वो है इनवेलप टूल। ठीक है, इनवेलप टूल जिस तरह हमने टेक्स्ट को राउंड करना सिखाया था मैंने आपको, टेक्स्ट को राउंड किस तरह करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के जरिए या किसी शेप के जरिए, ठीक है, इसी तरह से इसको भी किसी चीज़ को राउंड करना है आपने, किसी पिक्चर को, किसी ऑब्जेक्ट को आपने राउंड करना है या गोलाई करनी है, उसको किसी शेप से वो आगे पीछे करना है। हाँ, एक दो ऑप्शंस ऐसे हैं जो हम टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, JMGRA, ये फॉन्ट लिया मैंने, फॉन्ट लेके मैंने इसको, अब इस पे इनवेलप टूल अप्लाई करना है। ठीक है, ये इसके अंदर चारों तरफ यहाँ पे पॉइंट्स हैं, इनको रिमूव करना है। ठीक है, अगर तो आपकी शेप में कर्व है, टेक्स्ट के अंदर कर्व लेके आना, जैसे कि यहाँ से लहर आ रही है वैसे करना है, फिर तो इसको छोड़ दें ऐसे ही। अगर कर्व नहीं करना, कहीं पे कर्व नहीं बनाना, मैं आपको इसको कॉपी करता हूँ, एक कॉपी की मैंने इसकी। ठीक है, ये इनवेलप है, अब देखना इसको, मैं यहाँ से यूँ गया, ये यहाँ से यूँ जा रही है, ठीक है, इस तरह से बना दिया हमने उसको, ठीक, अपनी मर्जी से। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवेलप टूल लेके इसको कन्वर्ट टू लाइन, कर्व ख़त्म कर देंगे, वो ऑलरेडी रेडी कर्व कर्व है, जिसको कर्व है वो हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखें ये कर्व आ रहे हैं ना लाइनें, पॉइंट्स, इसको मैंने सेलेक्ट करके यहाँ से कर्व ख़त्म कर दिया, अब सिर्फ सीधी लाइन जाएगी। इसको लिया यहाँ से, जिधर मर्जी कर दो ना, ठीक है, इस तरह से वो टैक्स के इफेक्ट्स होते हैं अक्सर, जिधर मर्जी ले जाओ उसको वो उधर मुड़ जाएगा आपका टैक्स। ठीक हो गया, तो ये टेक्स्ट के ऊपर, ये शेप ले लेते हो आप, कोई भी शेप है, कोई चीज़ है, उसके ऊपर आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो इनवेलप टूल के ज़रिए। ठीक हो गया, आगे है हमारे पास एक्सट्रूड टूल। एक्सट्रूड टूल करता क्या है, आपने यहाँ से एक शेप ड्रॉ की, शेप ड्रॉ करने के बाद उसको हमने एक सर्कल भी ड्रॉ कर दिया, एक पॉलीगन भी बना दिया, तीनों में रंग भी कर दिए। ठीक हो गया, एक्सट्रूड टूल होता है एक शेप को 3D में कन्वर्ट करता है। जैसे एक बॉक्स पड़ा है ये, ठीक है, फिर इसके अंदर 3D के कुछ ऑप्शंस हैं, वो उसको खींचना है या कम करना है, ज़्यादा करना है आपने तो वो टूल को सेलेक्ट करके ठीक है,
मुख्तलिफ किस्म की वो उसकी लेंथ विड्थ के हिसाब से या कुछ सेटिंग्स हैं, ठीक है। ये देखो जैसे वो एक गैलरी टाइप का एक बॉक्स है, ठीक है, कंटेनर नहीं जैसे होता कंटेनर इस तरह का, आप ये एक बना के रख दो कि क्लासरूम है जी, क्लासरूम के अंदर यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ चेयर्स रख दो, ये अंदर वाला हिस्सा है इसका, यहाँ दीवार है, यहाँ खिड़की है, मतलब एक चीज़ बनानी है हमने 3D के अंदर, तो उसके ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसी इसमें टूल्स बहुत सारे हैं हमारे पास, ऑप्शंस बहुत सारे हैं एडवांस, यहाँ आ जाएंगे, फिर ये ऑप्शंस हैं उसको 3D किस तरह का करना है, शेडोज़ उसके अंदर, या सिंपल यूजिंग कलर, एक कलर लिया उसको, यहाँ पे जो आउटलाइन है वो ये ऑरेंज आ गई है देखो, यहाँ पे शेड्स आ गए देखो, ठीक है। बेवल उभरा हुआ वो शेप उभरी हुई नजर आए, किस तरफ कितनी, जैसे लगता है कि यहाँ से वो चीज़ ऊपर निकली है या अंदर जा रही है, वो एक चीज़ जा रही है उस तरफ, ठीक है। इस तरह कर लें 3D, उन पे वो शेड्स अप्लाई करना, टेक्सचर अप्लाई करना, टूल लिया, जैसे वो एक पाइप लाइन टाइप का बन जाता है, एक बैरल टाइप का, इसको यहाँ से पकड़ के घुमा भी सकते हैं, चारों तरफ से जैसे घुमा के नहीं देखना था उस चीज़ को, ठीक है। इस तरह से एक तरफ ये डार्क आ गया, लाइट से डार्क शेड दे दिया उसके अंदर, ठीक है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स बनाने हों आपने सिंपल सिंपल से, सही, तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई करते हैं। क्लिक करें उसको, जैसे वो तबूत नहीं होता, शेप बनाएं अपने, बना के उसको अप्लाई कर दें इस तरह से, ठीक है। तो ये है इसका 3D टूल का ऑप्शन, ठीक हो गया।